नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजी न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। डीआरडीओ ने दी मंजूरी, प्राइवेट कंपनियां बनाई गाइड। कोरोना संक्रमण बढ़ने से ग्रोथ में गिरावट, 61.25 डॉलर तक आया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मिसाइल सिस्टम का विकसित करने और उत्पादन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की फर्म को अनुमति दे दी है। ये फैसला घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। डीआरडीओ के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर डीसीपीपी प्रोग्राम के तहत हमने प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ मिसाइल सिस्टम विकसित करने और फिर उनका उत्पादन करने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने भागीदारी के लिए बहुत उत्साह दिखाया है। वर्टिकली लॉन्च की शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम परियोजना के लिए बोलियां भी लगी है। यह प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार की मेक इन इंडिया परियोजना के तहत किया जा रहा है। हाल ही में डीआरडीओ ने देश को रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी। डीआरडीओ ने इसी माह एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP टेक्नोलॉजी का आखिरी टेस्ट पूरा कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। ब्राजील, भारत समेत के कई देशों में कोरोना के मामलों में हो रही वृद्धि के इकोनॉमिक रिकवरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पेट्रोल डीजल की मांग घटने की आशंका में कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड के भाव सोमवार को 5.3% तक गिरकर 61.25 डॉलर का निचला स्तर छू गए। हालांकि मंगलवार को यह 1.67% सुधार के साथ 63.27 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहे थे। यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से क्रूड की कीमतों में यह गिरावट देखने को मिली है। जर्मनी में ईस्टर वीकेंड के दौरान लॉकडाउन लगाने पर अमल का फैसला टाल दिया गया। अमेरिका के टीकाकरण का काम तेजी से हो रहा है, लेकिन यह तेल की डिमांड घटने की चिंता खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दुनिया के प्रमुख पेट्रोलियम मंत्रियों का मानना है कि टीकाकरण के वैश्विक कार्यक्रम प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में तेज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद दुनिया भर में हाउसिंग प्रॉपर्टी के दामों में तेजी देखी जा रही है। अमेरिका में जनवरी से अभी तक मकानों के दाम 11% तक बढ़ चुके हैं, जो कि 15 साल में सबसे ज्यादा तेजी है। इंग्लैंड में साल भर में मकानों की कीमत में 8% की बढ़त दर्ज की जा चुकी है। दुनिया के 25 देशों में मकानों के दाम सालाना रूप से औसतन 5% तक बढ़े हैं। भारत की बात करें तो 2020 की आखिरी तिमाही और 2021 की पहली तिमाही में हाउसिंग सेगमेंट में पूछ परख काफी बढ़ गई है। पिछले कुछ सालों से मकान खरीदने का ट्रेंड भी बदला है। लोग बड़े शहरों की भीड़भाड़ से दूर 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में कम आबादी वाले लेकिन आसानी से पहुंचे जा सकने वाले इलाकों में मकान खरीदना पसंद कर रहे हैं। कोविड-19 के बाद यह ट्रेंड और भी बढ़ गया है। कोविड-19 की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण लोगों का घर ही उनका दफ्तर, बच्चों का स्कूल, जिम में तब्दील हो गया है। लोग अपना अधिकांश समय घर पर ही बिता रहे हैं, इसलिए अपना घर होना, बड़ा घर होना, घनी आबादी से दूर होना अब लोगों की पहली पसंद बन गया है। भारत में भी अब बड़े शहरों से लगे हुए उपनगरीय इलाकों में प्रॉपर्टी की पूछ परख बढ़ रही है। क्रेडाई के नेशनल चेयरमैन जक्षय शाह कहते हैं कि कोविड-19 के पास से लोगों को अपने घर की महत्वता समझ आ रही है और रेजिडेंशियल हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है। वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोग बड़े मकान खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसमें काम और पढ़ाई के लिए अलग जगह भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2020 से 2021 के लिए करदाताओं की ITR 1 और ITR 4 फॉर्म भरने को लेकर ऑफलाइन सुविधा शुरू की है। ऑफलाइन सुविधा ई फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है और नई प्रौद्योगिकी JSON पर आधारित है। यह आंकड़ों के भंडारण के लिए सरल प्रारूप है। ऑफलाइन सुविधा विंडोज 7 या उसके बाद के संग्रहणों के साथ कंप्यूटर पर डाउनलोड की जा सकती है। विभाग ने फाइलिंग के लिए पूरी जानकारी देते हुए कहा है कि ऑफलाइन सुविधा केवल ITR 1 और ITR 4 के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। देश में 2020 से 2021 के शुरुआती 10 महीनों यानी अप्रैल जनवरी के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 28% बढ़कर रिकॉर्ड 54.18 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
2019-20 की समान अवधि के दौरान देश में 42.34 अरब डॉलर का एफडीआई आया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल जनवरी के दौरान कुल एफडीआई आय को दोबारा निवेश करना शामिल है 15% बढ़कर 72.12 अरब डॉलर रहा। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। डीआरडीओ ने दी मंजूरी, प्राइवेट कंपनियां बनाई गई। कोरोना संक्रमण बढ़ने से ग्रोथ में गिरावट 61.25 डॉलर तक आया। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।